लाल निशान में बंद हुआ बाजार, जानिए 16 अक्टूबर को कैसे रह सकती है इसकी चाल। भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स 13 अक्टूबर को लाल निशान में बंद हुए हैं। बाजार में आज काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। निफ्टी आज 19,750 के करीब बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 125.65 अंक या 0.19% गिरकर 66,282.74 अंक पर और निफ्टी 43.00 अंक या 0.22% की गिरावट के साथ 19,751 पर बंद हुआ है। आज लगभग 1,800 शेयर बढ़े हैं, वहीं 1,739 शेयर गिरे हैं, जबकि 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक्सिस बैंक, इंफोसिस, अदानी इंटरप्राइजेस, SBI और विप्रो निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं, जबकि टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले इंडिया निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 अक्टूबर को घटकर 321.79 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 12 अक्टूबर को 322.07 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 28,000 करोड़ रुपए घटा है। 16 अक्टूबर को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि IT सेक्टर के कमजोर रेवेन्यू गाइडेंस और कच्चे तेल की कीमतों में मौजूदा तेजी से बाजार का सेंटिमेंट खराब हुआ है, जबकि उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने सप्ताह के शुरुआती तेजी के रुझान को कमजोरी में बदल दिया। हालांकि घरेलू पॉजिटिव फैक्टर से कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। घरेलू महंगाई में भारी गिरावट, मजबूत IIP आंकड़े और Q2 के अच्छे नतीजों की उम्मीद से बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। LKP सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि पुट राइटर्स की तरफ से 19,600 स्ट्राइक प्राइस पर मजबूत ओपन इंटरेस्ट के कारण दिन के दौरान बुल्स 19,600 के स्तर की रक्षा करने में सफल रहे। जब तक निफ्टी 19,600 से ऊपर रहेगा तब तक मजबूती जारी रह सकती है, लेकिन 19,600 से नीचे फिसलने पर गिरावट बढ़ सकती है। जब तक निफ्टी 19,600 के ऊपर बना हुआ है तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 19,850 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। 19,850 की बाधा टूटने पर निफ्टी 20,000 की ओर बढ़ सकता है। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी ने आज गिरावट के साथ शुरुआत की, हालांकि दिन के दौरान इसमें रिकवरी देखी गई। कारोबार के अंत में यहां 43 अंक की गिरावट के साथ इंटरडे निचले स्तर से काफी ऊपर बंद हुआ। डेली चार्ट पर देखने से पता चलता है कि 19,640 से 19,620 के जोन ने निफ्टी के लिए कुशन के तौर पर काम किया और आगे की गिरावट को रोका है। डेली बोलिंगर बैंड सिकुड़ रहे हैं, जिस बात का संकेत है कि इंडेक्स में अभी और कंसोलिडेशन हो सकता है। डेली और ओवरली मोमेंटम इंडिकेटर अलग अलग संकेत दे रहे हैं, ऐसे में एक और कंसोलिडेशन की काफी संभावना दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म में इस कंसोलिडेशन की रेंज 19,500 से 20,100 रहने की उम्मीद है। कंसोलिडेशन की इस अवधि के दौरान स्टॉक विशेष, इक्विटी और सेक्टर रोटेशन की संभावना है। बैंक निफ्टी में आज ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, इसमें गिरावट पर खरीदारी आने की उम्मीद दिख रही है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 44,400 से 43,800 पर बड़ा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता तब तक हमें बैंक निफ्टी में 45,050 से 45,350 तक की रिकवरी आने की उम्मीद दिख रही है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।